शिल्पा शेट्टी ने बताया कि उन्हें कभी भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं मिला अपना दर्जा, मगर फिर भी आज वो काफी ज्यादा खुश है अपनी अचीवमेंट को लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। शिल्पा शेट्टी, जो कि हमेशा अपनी फिटनेस को लेके और रियलिटी शो में एज अ होस्ट को लेके काफी ज्यादा सुर्खियों में चला करती हैं, कभी वो लेमन कलर की ड्रेस पहनती हैं तो कभी वो एथनिक लुक में दिखाई देती हैं, हर बार उनकी फिटनेस और उनके डांस मूव्स फैंस को उनकी अदाओं पे फिदा कर ही देते हैं। ना ही केवल इतना, बॉलीवुड में भी उन्होंने कई सारे साल बिताए हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री को उन्होंने 3 साल दिए हैं। जी हाँ, 30 ईयर्स उन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग करियर को अपने दिए थे। इसके बाद जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान एक ई टाइम्स के इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि उन्हें अपनी करियर की सक्सेस को लेकर कैसा फील होता है, तो शिल्पा शेट्टी ने किया कुछ इस तरीके से बातें और बताया कि स्टार्टिंग में कभी भी टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थी। आपको बताते, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कभी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आया, कभी भी उन एक्टर्स में मेरा नाम नहीं आता था, चाहे वो ये मान लीजिए कि सोर्स कम मिले हों, अपॉर्चुनिटीज कम मिली हो, या फिर कोई भी रीज़न क्यों ना हो। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, मगर आज जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा खुद का ब्रांड अच्छा चल रहा है, मैं एक पूरे शो की सीरीज को होस्ट करती हूँ, ना ही केवल इतना, मैं अक्सर सुर्खियों में रहा करती हूँ और आज मेरा नाम बहुत अच्छा बन चुका है। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत बाजीगर फिल्म से करी थी, जो कि 90s के टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक थी, और इस फिल्म में 1993 की ये फिल्म थी जिसमें वो SRK के साथ यानी कि शाहरुख खान के साथ काम करती हुई दिखाई देती थी। अपने करियर की अचीवमेंट को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी जताते हुए सारी बातें कही थी। ना ही केवल इतना, अपने करियर में अब वो एक होस्ट भी बन चुकी हैं, उसके अलावा उनका ब्रांड है, उसके अलावा लोगों के बीच में उनकी गुडविल है, वो हेड फिटनेस को लेकर लोगों को टिप्स दिया करती हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहा करती हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और कोलैब्स भी करती हैं अच्छे खासे। सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसी बीच में आपका क्या ओपिनियन है शिल्पा शेट्टी को लेके, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और क्या सच में आपको लगता है शिल्पा शेट्टी का नाम टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में होना चाहिए था? आपका क्या ओपिनियन है मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।